अच्छा, 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि राजनीति शास्त्र का पेपर ऑप्टोकॉल फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए 83, 85, 2023, 24 राजनीति शास्त्र का। अच्छा, 12वीं समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 80 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और दूसरा प्रश्न के मांग 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। चलिए, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर, देख लीजिए, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो आपका आता 1915 में, और बा आता 1950 में, और सा आता 1945 में, और दा आता 1917 में। तो यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका दा का आंसर रहेगा 1917। फिर आपका दूसरा था, किस देश ने खुली दर की नीति अपनाई, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख ली, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देते हैं, पहले आता आ आता USA, और बा आता USSR, और सा आता फ्रांस, और दा आता चीन। तो यहाँ पर किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, चीन। अब आपके यहाँ पर आता तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो यहाँ पर आता न्यूयॉर्क में, बाता हैंग, और साता पेरिस, और दाता चिनेवा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, पेरिस। ठीक है, तीसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा, पेरिस। फिर आपका चौथा आता, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, और बाता 1 नवम्बर को, और दाता 10 दिसंबर, सॉरी सा आता 10 दिसंबर, और दाता 1 मार्च को। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, चौथे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा 10 दिसंबर। अब आपका पांचवा आता, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका आता बर्लिन, और बा आता वियना, और सा आता लंदन, और दा आता रियो डी जेनेरो। तो यहाँ पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। अब आपका छठवां यहाँ पर आता, इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, तो आपका आता के कामराज ने, और बा आता आप यहाँ पर बा आता मोरा रजी देसाई ने, और सा आता डी के बरुआ ने, और दा आता तो आप यहाँ पर दा उसने आता फखरुद्दीन अली ने। तो इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, डी के बरुआ ने। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कम्प्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जिससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, आपका प्रश्न 2 आता, देखते इस तरह पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। पहले आता, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग डॉट डॉट है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग जनरल असेंबली है। ठीक है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा जनरल असेंबली, ये आपका पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा रेगिस्तान आता, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन डॉट डॉट में हुआ था, आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन डॉट डॉट में हुआ था, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1953। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपका 22 दिसंबर 1953। अब चलिए, आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या डॉट डॉट थी, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 565। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 565 रहेगा। अब आपके यहाँ पर आता चौथा, भारत में डॉट डॉट अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया, तो भारत में मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया, तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा मिश्रित। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा। अब आपका पांचवा यहाँ पर आता, भारत की विदेश नीति के जनक डॉट डॉट है, तो यहाँ भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, पांचवें का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पांचवें का आंसर आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता, सिक्किम राज्य सन डॉट डॉट में बना, तो यहाँ पर सिक्किम राज्य सन, ठीक है, 15 मई 1975 में बना। ठीक है, सिक्किम राज्य सन 15 मई 1975 में बना। आपका यहाँ पर छठवें का आंसर हो जाएगा 15 मई 1975, ये आपका छठवें रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका सातवां आता, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो आपका यहाँ पर सातवें का आंसर हो जाएगा राजनीतिक। तो आप यहाँ पर देख ली, पहले रेगिस्तान का आंसर आपको जनरल असेंबली, दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपको 22 दिसंबर 1953, और तीसरे का आंसर आपको 565, और चौथे का आंसर आपको मिश्रित, और पाँचवें का आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू, छठवें का आंसर आपको 15 मई 1975, और सातवें का आंसर आपका राजनीतिक। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो कम्प्लीट हो जाते हैं, और ये आपके यहाँ पर हम इसकी में आपको यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन दिखा रहे हैं, तो इसका जो स्क्रीन शॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न 3 आती, सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती है
इस दबाव में आपके यहाँ पर दी गई श्रेणी पहले आती है चरण सिंह। चरण सिंह को आपको किसान नेता सामने ही मैच कर देनी है। और दूसरी आती है बर्गेज कुरियन, तो इसे मैच करना आपको दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दूसरी आपकी दुग्ध उत्पादन से मैच कर देनी है। और तीसरी आती नीली क्रांति, नीली क्रांति आपकी जब मछली उत्पादन से मैच कर देनी है, ठीक है। चौथी आती पंचशील समझौता, तो इसे मैच करना आपको 1954 से। जो पांचवीं आती दलाई लामा, तो पांचवीं आपकी हो जाएगी तिब्बत की धार्मिक नेता, ठीक है, दलाई लामा आपकी आपको सामने ही मैच कर देनी है तिब्बत की धार्मिक नेता। और फिर जो आपकी आती भारत चीन युद्ध, तो इसे मैच कर देना आपको 1962 से। तो इस तरह से जो आपकी सयोनी बुक कंप्लीट हो जाती है। पहले जो आपके यहाँ पर दिए चरण सिंह, तो किसान नेता से मैच करना, और बर्गेज कुरियन, तो इसे आपको दुग्ध उत्पादन से मैच कर देना, और नील क्रांति आपकी हो जाएगी मछली उत्पादन, और पंचशील समझौता चौथी आपकी आती पंचशील समझौता, तो इसे आपको 1954 से मैच कर देनी है। पाँचवीं आती दलाई लामा, तो इसे आपको तिब्बत के धार्मिक नेता से मैच करनी है। और छठवीं आती भारत चीन युद्ध, तो इसे आपको 1962 से मैच कर देनी है। अब आपके आते हैं एक साथ बाकी मुतदीज सात नंबर के आते हैं। पहला यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा 12 सितारे, ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपको 12 सितारे। फिर आपका दूसरा आता अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो जो आपका हमला हुआ था वो आपका 11 सितंबर 2001, ठीक है, दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा 11 सितंबर 2001, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता विश्व ग्राम की संरचना को क्या कहते हैं, तो विश्व ग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं, तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा वैश्वीकरण, आप यहाँ पर देख ली तीसरी का आंसर आपको वैश्वीकरण हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ये आपका चौथे का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता प्रथम पंचशील पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपको 1951, ठीक है, 1951 में लागू हुई थी, तो पाँचवें का आंसर आपको 1951 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है श्वेत क्रांति के संबंध किस उत्पादन से है, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, तो आपका छठवें का आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, आप यहाँ पर देख लीजिए छठवें का आंसर आपका रहेगा दुग्ध उत्पादन। सातवां आपका आता गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, तो आपके यहाँ पर सातवें का आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। तो इस तरह से आपके एक सतबाक में तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, पहले का आंसर आपका 12 सितारे, दूसरे का आंसर आपका 11 सितंबर 2001, और तीसरे का आंसर आपका वैश्वीकरण, और चौथे का आंसर आपका सर सैयद अहमद खान, पाँचवें का आंसर आपको 1951, छठवें का आंसर आपका दुग्ध उत्पादन, और सातवें का आंसर इंदिरा गांधी। तो आपके हम यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये आपका एक सतबाक में तक सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, पहले तो आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ पर एक सतबाक में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके साथ असत्य का चयन करके लिखिए जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहने वाला। दूसरा था भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला तीसरा आपका, ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा था पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से, आपका यहाँ पर पाँचवा रहेगा असत्य। और छठवां था आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा, और दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न छह आता, ठीक है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए अथवा था सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। फिर आपका सातवां क्वेश्चन था मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया, ठीक है, आप जो आपका प्रश्न सातवें का अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा था सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। आपके यहाँ पर दो दो नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। प्रश्न आठ आता प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं अथवा था ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। आपका प्रश्न नौ आता वैश्वीकरण किसे कहते हैं अथवा था वैश्वीकरण की कोई दुकान लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले, पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। दसवां था भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी अथवा था प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई विशेषताएं लिखिए। और ग्यारहवां क्वेश्चन शिमला समझौता किसे कहते हैं अथवा था भारत के चार पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आपका बारहवां क्वेश्चन था, बारहवां क्वेश्चन देख लीजिए, बारहवीं का अथवा था सिंडिकेट किसे कहते हैं लिखिए। फिर आपका तेरहवां क्वेश्चन आता नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं अथवा था प्रेस की आज़ादी पर रोक प्रेस सेंसरशिप क्या है। और फिर आपको चंद्रमा क्वेश्चन आता है, तो चंद्रमा क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रमा का अथवा था भारत के किस क्षेत्र को सात बहने कहा जाता है। पंद्रह क्वेश्चन आता है गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं और अथवा था मंडल आयोग की कोई दो सिफारिशें लिखिए। फिर आपका आता सोलहवा क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन की कोई तीन परिणाम लिखिए अथवा था सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। सत्रहवा क्वेश्चन आता चीन की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के तीन कारण लिखिए। यह आपका सत्रहवा क्वेश्चन जो कि तीन नंबर का, सोलहवा क्वेश्चन भी आपका तीन नंबर का, और सत्रहवें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता
आसियान विजन 2020 के तीन उद्देश्य लिखिए। फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की कोई तीन चुनौतियाँ लिखिए। अथवा आता संयमित पत्र, ठीक है, तो इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता आपातकाल के कोई तीन परिणाम लिखिए। फिर इसका अथवा आता आपातकाल के कोई तीन सबक लिखिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन आता अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई चार कार्य लिखिए। फिर आपका इसका आता संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई चार कार्य लिखिए। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन भारत चीन के मध्य मतभेदों को विचार कारण लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का, ठीक है, राजनीति शास्त्र पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो इसका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन। टेकन बाय बाय।